हॉस्पिटल में सुधार करो, 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 अस्पताल 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 में सुधार करो। इनके अंदर 15 लोगों की मृत्यु हो गई अस्पताल के अंदर, कोरोना पीक पर है और ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है, उसके विषय के अंदर कोई प्रबंध करने का प्रयास नहीं करना चाहता। एक दूसरे के ऊपर बातें डाली जा रही हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं मुझे काम नहीं करने दिया जाता। अगर कोई कुर्सी पर बैठा उसको काम नहीं करने दिया जाता, इसका मतलब वो काम करने के काबिल नहीं है। और जो काम नहीं करने देना चाहते, ये काम करने वाले पर निर्भर करता है वो काम कैसे लेता है। बुरी हालत है अस्पताल के अंदर। मैं बार बार इन शब्दों को दोहराने का प्रयास करना चाहता हूँ। सुपरिटेंडेंट कोरोना के अंदर है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कोरोना के अंदर है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोरोना के अंदर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोरोना के अंदर शामिल है। तो लोगों को इलाज करने का विषय क्या होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ उपराज्यपाल महोदय से, श्रीमान सिन्हा साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप यहाँ पर आए हैं जम्मू के विषय के अंदर, कश्मीर के विषय के अंदर विचार करने के लिए। ये मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक ऑलरेडी हमारे पास अस्पताल के अंदर है लेकिन काम नहीं कर रहा है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट डिफंड करके बैठा हुआ है। अगर स्टोरेज टैंक की व्यवस्था बड़ी की जाए, 5 करोड़ रुपए अगर आप दें, तो मैं समझता हूँ ये सिलेंडरों की भरमार, हमको पहले 20 सिलेंडर लगते थे, फिर 100 लगे, अब 200, फिर 400, 600, 700, अब 800 की मांग कर रहे हैं। और जो स्टोरेज 400, अब 800 की मांग कर रहे हैं। और जो स्टोरेज टैंक वहाँ बनाया हुआ है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, वो काम करने का प्रयास नहीं करना चाहता। इसके विषय के अंदर कौन दोषी है? क्या प्रिंसिपल साहब इसके विषय के अंदर उत्तर देंगे? क्या मैकेनिकल विभाग जो स्टोरेज जिसके ऑक्सीजन स्टोरेज जिसके अंदर है वो इसके विषय के अंदर उत्तर देगा? लेकिन कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। जगह खाली नहीं है, पेशेंट बढ़ रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सारे विषय के ऊपर एक इंक्वायरी बटनी चाहिए। और जो प्रिंसिपल अगर काम उससे नहीं होता है वो पेपर के अंदर प्रकाशित करते हैं।